हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल सिलेक्टर। गाइज, क्या आपके भी पास एटीएम कार्ड नहीं है और आप भी चाहते हो बिना एटीएम कार्ड के पैसे निकालना एटीएम मशीन से? जी हाँ दोस्तों, तो गाइज आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरा जानकारी देने वाला हूँ और स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ और लाइव प्रूफ करके मैं वीडियो को लास्ट में मैं दिखाया हूँ कि कैसे बिना एटीएम कार्ड के आप एटीएम मशीन से पैसे को निकाल सकते हो, लाइव प्रूफ करके दिखाने वाला हूँ। तो गाइज आज के इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है और स्टेप बाय स्टेप देखना है तो आपको समझ में आ जाएंगे कि कैसे मैं एटीएम कार्ड के बिना ही एटीएम कार्ड से मैं आपके अपने स्मार्टफोन से ही मैं दिखाऊंगा कि कैसे और किस प्रकार से मैं पैसे को निकाल सकता हूं और आपको निकाल करके भी दिखाऊंगा। और आप भी चाहते हो बिना एटीएम कार्ड के एटीएम मशीन से पैसे को निकालना तो गाइज निकाल सकते हो। तो गाइज अगर आपको इस चीज को सीखना है तो आपको इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना होगा। और गाइज जैसे ही आप कंप्लीट वॉच कर लेते हैं तो आपको सारा जानकारी मिल जाएगा कि कैसे अगर आपके पास एटीएम कार्ड नहीं अगर मिला है तो आप बिना एटीएम कार्ड के भी एटीएम मशीन से पैसे को निकाल सकते हो, जितना चाहो उतना निकाल सकते हो। तो इसको कंप्लीट वॉच करना है। तो गाइस चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो गाइस चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके मोबाइल स्क्रीन पे आ जाना है, उसके बाद गाइस आपको यूएनओ एप्लीकेशन को ओपन करना है। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद करना क्या, अगर आपका इंटरनेट बैंकिंग नहीं है तो अगर आप बनाना चाहते हो और आपका SBI का अकाउंट है और आपका इंटरनेट बैंकिंग नहीं है और आपका UNO एप्लीकेशन में नहीं हो रहा है तो उसके लिए लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आकर के कर सकते हो। और आपको उसके बाद लॉगिन नहीं करने आ रहा है तो उसके लिए वीडियो मिल गया, स्पेशल वीडियो लिंक मिल गया डिस्क्रिप्शन में, आपको क्या करना है कि लॉगिन कर लेना है। तो चलिए मैं लॉगिन सबसे पहले कर लेता। तो गाइज फाइनली आप यहां पे देख सकते हो मैं यहां पे UNO एप्लीकेशन UNO SBI में मैं लॉगिन कर चुका हूं। अगर आपको भी मतलब कि नहीं आता है लॉगिन करने या आपका इंटरनेट बैंकिंग नहीं है और आप UNO एप्लीकेशन को नहीं चलाते हो तो लिंक मिल गया है डिस्क्रिप्शन में, आप आसानी से और इजी वे में बिना कोई प्रॉब्लम के बना सकते हैं। तो गाइज सबसे पहले आपको करना क्या है, यहां पे आपको बिना ATM कार्ड के ATM मशीन से आपको पैसे निकालना है। तो सिंपली से आपको देख सकते हो जैसे ही आपका ओपन होता है तो यहां पे अकाउंट आता है और यहां पे UNO पे आता है और UNO कैश आता है। तो हम लोग को क्या चाहिए, कैश चाहिए। जी हाँ दोस्तों, तो आपको करना क्या है, आपको एटीएम मशीन में जाने से पहले आपको UNO कैश पर क्लिक करना है। और गाइस जैसे ही आप क्लिक करते हो तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है UNO कैश, उसके बाद एटीएम से, मर्चेंडाइज पोस्ट से और यहाँ पे कस्टमर सर्विस यानी कि CSP से। बट हम लोग को एटीएम मशीन से चाहिए बिना एटीएम कार्ड के। अगर मेरे पास एटीएम नहीं तो ये CSP से तो सब लोग निकाल लेते हैं, बट हम लोग को क्या चाहिए, एटीएम मशीन से चाहिए। तो गाइस आपको करना क्या, करना कुछ नहीं है, सिंपली से आपको एटीएम वाले पे क्लिक करना है। और गाइस जैसे ही आप एटीएम वाले पे क्लिक करते हो तो गाइस जो भी आपका अकाउंट में जितना बैलेंस होगा तो गाइस यहां पे आपका अकाउंट बैलेंस दिखा देगा, उसके बाद एटीएम चैनल आ जाएगा, उसके बाद गाइस आप कितना निकालना चाहते हो। तो गाइस कम से कम मैं 500 यहां पे मैं 500 निकालना चाहता हूं। तो गाइस आपके सामने मैं 500 पे कर दिया, आप जितना भी निकालना चाहते हो इतना क्या करना है, यहां पे कर देना, यानी कि डाल देना है, अमाउंट यहां पे लिख देना है। उसके बाद गाइस नीचे में देख सकते हो नेक्स्ट का ऑप्शन है, तो गाइस नेक्स्ट वाले पे जैसे ही आप क्लिक करते हो तो गाइस यहां पे पिन मांगता है। जी हां दोस्तों, तो गाइस अगर आप भी 6 डिजिट का पिन नहीं मतलब बनाए हो तो गाइस यहां पे आपको बना लेना है। अगर आपको बनाने नहीं आता है तो लिंक मिल गया है कि कैसे और किस प्रकार से UNO कैश एप्लीकेशन का पिन कैसे क्रिएट किया जाता है, तो उसका लिए भी लिंक मिल गया है आई बटन में या डिस्क्रिप्शन में, वो जा करके आप आसानी से और इजी वे में पिन को क्रिएट कर सकते हो। तो गाइस चलिए मैं अभी अपना मैं क्रिएट पिन मतलब तो कर लिया हूं, तो उसके बाद पिन को डाल लेते। गाइज जैसे ही मैं यहाँ पे पिन डाला उसके बाद गाइज यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। और गाइज जैसे ही आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हो तो रिव्यू यानी कि एक बार से दिखा देता है आपका अकाउंट नंबर, लास्ट 4 डिजिट इतना है, आप एटीएम से निकालना चाहते हो बट आपके पास एटीएम कार्ड नहीं है फिर भी और आप 500 अमाउंट पे किए हो, यानी कि आप जितना भी पे किए हो उससे कोई मतलब नहीं, आप जितना भी अमाउंट डाले होगे उतना निकालना। उसके बाद गाइज यहाँ पे आपको आई एग्री द टर्म्स एंड कंडीशन पर क्लिक कर देना है। और गाइज जैसे ही आप आई एग्री टर्म्स एंड कंडीशन पर क्लिक करते हो तो गाइज यहाँ पे कन्फर्म का ऑप्शन आ जाएगा, तो गाइज यहां पे आपको कंफर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। और गाइज जैसे ही आप कंफर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हो तो गाइज कुछ ही समय के बाद यहां पे थैंक यू फॉर यहां पे आ जाएगा UNO कैश सर्विस। और गाइज यहां से आपका आसानी से आपके अपने जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर हो गए आपके अकाउंट में तो वहां पे एक मैसेज चला जाएगा यानी OTP जाएगा। और यहां पे आपको OTP क्या करना है कि दूसरे के शेयर नहीं करना है, आपको ATM में जाकर के वहां पे UNO कैश पे जाकर के, अब चलिए लाइव प्रूफ करके दिखा देता हूं। यहां पे अपना UNO यहां पे जो मैसेज आया था वो डाला, उसके बाद क्या मैं यहां पे अपना पिन डाल दिया और उसके बाद
बाद जो भी पिन होता है पिन डालने के बाद गाइज यहाँ पे आप कुछ समय तक वेट करोगे तो गाइज आप देख सकते हो आपका कुछ ही समय वेट करने के बाद जो भी आप पिन डाले होगे और आप जितना अमाउंट पे किए तो गाइज यहाँ पे मेरा अमाउंट जो है आ चुका है। तो गाइज यहाँ पे देख सकते हो आपका लाइव प्रूफ। आई होप कि आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच किए होंगे और स्टेप बाय स्टेप देखे होंगे तो आपको लाइव प्रूफ मिल गया होगा और मैं आपको दिखाया कि कैसे एटीएम मशीन से बिना एटीएम कार्ड के कैसे आप पैसे को निकाल सकते हो। जी हाँ दोस्तों, तो गाइज कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ, और आपको कोई भी डाउट हो कोई भी प्रॉब्लम हो तो लिंक मिल गया इंस्टाग्राम का डिस्क्रिप्शन में, आप इंस्टाग्राम पे आकर के बातचीत कर सकते हो। तो गाइज मिलते हैं ऐसे ही नए और फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।